And I would request Mr. Bharat Gupta to kindly come on the stage and felicitate Mr. Sangram Singh. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं भारत के फिटनेस आइकन श्री संग्राम सिंह जी का। शुरुआत के 8 सालों तक संग्राम सिंह जी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, व्हील चेयर पर थे शुरुआत के अपने 8 सालों तक। किस तरह से वो स्ट्रगल, और यहाँ पे एक फिटनेस आइकन आपको देख करके मुझे लगता है हर किसी के मन में ये होगा कि क्या रूटीन रहता होगा, मगर मैं जानना चाहूँगी वो 8 साल से यहाँ तक के सफ़र के बारे में। देखिए, मैंने ये काफ़ी जगह बोला, बताता हूँ कि मैं जब बचपन में मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, जब 3-3.5 साल का था तो मुझे पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे घुटनों पर आया, वो बॉडी के हर ज्वाइंट पर आ गया। अब एक काफ़ी हम्बल फैमिली से आया, हरियाणा के किसी गांव से, तो वहाँ पे पता ही नहीं होता था कि बीमारी क्या। घर वाले कभी डॉक्टर को यहाँ दिखा रहे, कभी वहाँ दिखा रहे, कभी इधर दिखा रहे, कभी उधर दिखा रहे। तो फिर वो धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया कि एक टाइम था मैं खाना खाने में असमर्थ हो गया। मतलब अपना मुँह खोलता था तो ये सब दुखता था, अपने हाथ से अपना मुँह धो सकता था। तो माफ़ करना, सारे डॉक्टर बैठे होंगे क्योंकि डॉक्टरों को अवार्ड मिल रहे हैं, सब कुछ है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि डॉक्टर लाइक गॉड, मगर पिछले 28 साल से ना उनकी मानता ना सुनता ना उनके बारे में ज़्यादा जानता। तो डॉक्टरों ने मुझे बोला था कि बीमारी डेथ के साथ जाती है, 99.9% ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। और मुश्किल से, जब मुझे याद है आज भी, जब मैं 7-8 साल का था तो घर वाले कई एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके आए, ये मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, आप इस पर इतना मत करो, फिर ये ठीक होगा। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर कहते कि इस बीमारी मसाज मत करो, मेरी माँ दिन में मुझे 15-15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी उनसे। और मैंने एक बार हरियाणा में मिट्टी कुश्ती देखी गाँव में, ऐसे बोला कि भैया दंगल था, देखने चलो, पहलवानों थोड़ा घी मिल रहा, थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, क्योंकि वहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो था। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ हो किया, सब हंसी मजाक उड़ाते थे, और जो कहते हैं ना आई एम देव फॉर यू, वो सबसे ज़्यादा बदमाश होते हैं, वो हर बात बोलते हैं आई एम देव फॉर यू, वो आपके साथ होते ही नहीं कभी। और सबसे ज़्यादा जो आपके अपने होते हैं ना, वो आपको मारते हैं, चाहे मैं अखाड़े में गया, चाहे मैं कहीं पर गया। मगर एक देखिए, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे बन जाते हैं। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना मेरा रिजेक्शन है। मैं कुश्ती में आ रिजेक्ट किया गया, मैं स्पीचेस में आ रिजेक्ट किया गया, टीवी पे आ रिजेक्ट किया गया, हर जगह रिजेक्ट किया गया, और मैं सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्ट हुआ था। ये तालियां इससे ज्यादा गवाही नहीं दे सकती जो आपकी सक्सेस है, ये तालियां उस चीज की गवाही है। संग्राम जी, संग्राम जी, हेल्थ और फिटनेस, अगर मैं आज के जमाने में बात करूँ, जिम में इतने केसेस आ रहे हैं कि कोई किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो ऐसे में पहली बात है एक जागरूकता, खासकर कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद कितनी ज़रूरी है फिट रहना एक आम आदमी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जिम ही किया जाए, किस तरह से आप फिटनेस का मंत्रा समझाएंगे? देखिए, शायद मेरे से सब एग्री नहीं हो, मगर मैं मानता हूँ कि फिटनेस का पैमाना पता ही नहीं है। तकरीबन 98% को फिटनेस है। क्या फिटनेस का मतलब? वो है कि हम अपने दैनिक कार्य आसानी से करें और हमें नींद आ जाए, कि आराम से सो जाएं, वो फिटनेस है। बाकी कोई 10 किलोमीटर भागना, जीरो साइज हो जाना, सिक्स पैक होना, सबका फिटनेस का अलग अलग पैमाना है। तो बाकी आजकल जो प्रोडक्ट चल गए ना, अभी मैं परसों किसी प्रोग्राम में था तो बहुत हेल्थ के ऊपर मोट करे, तो मैंने उनको एक बात बोली कि भैया हेल्थ के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी को पहचानते हैं। तो क्या है कि मतलब आजकल जो हेल्थ के नाम पे है ना, मतलब इतना बेवकूफ़ बनाते हैं हम, सारी चीज़ों करते हैं। मोस्टली क्या है कि जो हार्ट अटैक ये सब आ रहे हैं ना, स्टीरोइड हम मोस्टली लेते हैं, या फिर उनका प्रीवियस हिस्ट्री देखते नहीं हम। जैसे इवन फिल्म वालों में आता है तो थोड़े पॉपुलर, जैसे मान लो सिद्धार्थ शुक्ला था, वो दोस्त था मेरा, या और कई हैं, तो उनकी आप प्रीवियस हिस्ट्री देखो ना कि वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया। और याद करो, 25 साल तक हमारा हार्ट खुला रहता है, परमात्मा ने खोल रखा है, 25 के बाद हमें खोलना पड़ता है। तो जिम करो, कुछ भी करो, मगर योगा प्राणायाम भी कर लिया करो, सबसे बेस्ट चीज़ है वन ऑफ द, अगर वो करो। देखो, वर्कआउट से बड़ा है योग, योग से बड़ा है प्राणायाम,
प्राणायाम से बड़ा है मेडिटेशन, और मेडिटेशन से बड़ा है सिद्धि साधना। तो आपके ऊपर है कि आप सारी चीज करो। और मैं कह रहा हूं कि बहुत से बोलते हैं कि भैया मान लो कहीं जिम में चले गए, कहीं चले गए, आपका वेट 70 kg, आपको 140 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। देखो सारी चीज़ सही है, मैं कह रहा हूँ अगर आप खुश हो ना और सूखी रोटी प्याज खाते हो तो उससे ज़्यादा प्रोटीन विटामिन किसी चीज़ में है ही नहीं। और एक बात और कह रहा हूँ कि भैया इतना ज़्यादा एनालिसिस मत किया करो कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। ये जिंदगी है ना परमात्मा ने के जीने के लिए दिए, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं दी। इस जिंदगी को जियो ना यारो, हर पल जियो, खुल के जियो। बहुत अच्छी बात आपने कही संग्राम जी, और डेफिनेटली एक मंत्रा होता है। लेकिन आजकल अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे फैंसी फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बताया जाता है कि एक्सॉटिक फ्रूट या एक्सॉटिक सब्जी खाने से आपको ये ताकत आएगी या इस तरीके की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? देखो भैया मैं एक बात बताता हूँ, आजकल मैं कई जगह जाता हूँ, मौका मिलता है, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ हार्डकोर, IIT IIM जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो विदेशों में भी जाने का मौका मिलता है। तो आजकल के बच्चे हैं ना साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। साक्षर होता है जो डिग्री लेके पास होता है, शिक्षित होता है जो वैल्यूज़ के साथ बड़ा होता है। आजकल के बच्चे डिग्री ले लेते हैं, सारी चीज़ कर लेते हैं, मगर उनको वैल्यूज़ लैक हैं, जो वैल्यू, जो मॉरल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो आजकल क्या करेंगे बच्चे कि वो देखेंगे कि भैया पिज़्ज़ा 500 कैलोरीज, ट्रेडमिल पे आई हैव बर्न 550 कैलोरीज। अब उनको कैसे समझाएं कि भैया बॉडी साइंस के हिसाब से नहीं चलती, बॉडी नेचर के हिसाब से चलती है। और उस पे जो लिखता है ना वो डिब्बे पे, इतनी कैलोरीज इतना प्रोटीन, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी उस पे लिख देता है कि भैया इतना प्रोटीन इतना कैलोरीज इतना विटामिन इतना, ये सब होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ अगर आप नेचर से कनेक्ट कर दोगे ना, शरीर किस चीज़ से बना है। मैं मोस्टली जैसे क्या होता है कि सीखते हैं, मगर मोस्टली मैं बीमारी 4 चीज़ से हील करता हूँ, आपका सांस लेना, आपका खाना खाना, आपका पानी पीना और आपके सोने की पोजिशन। तो शरीर तो बना पंच तत्व से है ना, चाहे वो आग है, हवा है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अगर किसी का ऊपर नीचे हो जाए इसी से पूरा हो जाता है। मगर क्या है कि हम ये कहते हैं कि भैया इस चीज़ में इतना प्रोटीन है, नो डाउट आपको मल्टीविटामिन लो, आप प्रोटीन लो, सारी चीज़ लो, मगर उसके अनुसार आप एक्सरसाइज करो ना, उसके अनुसार वर्कआउट करो, उसके अनुसार सारी चीज़ करो। मैं ढेर सारे पहले क्या होता था कि मैं ढेर सारे प्रोग्राम में जाता था, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर आते थे, बड़े बड़े दूसरे आते थे, तो मेरे हिसाब से जो इंसान फिट नहीं है ना भैया, मैं उसकी कम सुनता हूँ, उसी कम मानता हूँ। क्योंकि एक बहुत से बोलते हैं ना कि अभी मैं बोल रहा था जैसे सपना जी बैठे हैं, वो भी बड़े फिट हैं, दोस्त हैं मेरे, तो क्या क्या बोलते हैं कि आई एम देयर फॉर यू। भैया सबसे पहले आप अपने खुद दोस्त बन जाओ, जो अपना खुद का दोस्त ही नहीं वो किसका दोस्त हो सकता है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। आपका अपने खुद दोस्त बनोगे, आप खुद हेल्दी होगे, खुद फिट होगे, तभी तो कहेंगे ना आई एम देयर फॉर यू। और जो किसी को फ़ोन करने कही है आई एम बिजी, मैं कहता हूँ वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त रहते हैं। तो भैया अपना टाइम निकाल लो, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो। और जो ये प्रोटीन विटामिन की जो आप बात कर रहे हैं ना, नो डाउट कुछ अच्छी चीज़ों में अच्छी चीज़ भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मगर ये सब तब काम करेंगे जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। मगर आजकल है ना उल्लू हो गए 98%। तो उल्लू क्या होता है, रात में जागता है और कुत्ते इधर दिन में सोते हैं, रात भर पार्टी करते रहेंगे और बहुत से कहेंगे आई एम पार्टी एनिमल, वो 40 के बाद है ना चलता फिरता केमिस्ट बन जाते हैं, 2 बजे खानी है, 4 बजे खानी है, 5 बजे खानी है। तो भैया जिंदगी को सही तरीके से जियो ना, एक नेचर के हिसाब से जियो, जल्दी सो, जल्दी उठो। अब बहुत से कहेंगे नहीं मैं तो रात में पढ़ता हूँ, भैया 6-7 घंटे सो लिया करो। और जो कहते हैं ना आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया आई डिड दिस, तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना जो ज़्यादा उलझे रहते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, जो बहुत सिंपल होते हैं ना जिंदगी एंजॉय करते हैं, जो ज़्यादा होते हैं ना आई फाई टॉप और बिल्कुल रहते हैं, मतलब बहुत दुखी रहते हैं। तो इसलिए भैया कहीं भी रहो देसी रहो। देसी पता कौन होता है? देसी वो होता है जो बड़ा सा एक टब बनवाएगा, उसमें बाल्टी रखेगा कि भैया कुछ हुआ तो नहा लेंगे, जो पहिए वाला बैग लेगा उसको भी उठा के चलेगा कहीं पहिए ना घिस जाएं। तो मतलब कहने की बात ये है, आप कहीं भी जाओ मगर देसी जरूर रहो भैया, वो सबसे बेस्ट है। बहुत खूब कहा आपने संग्राम जी। और एक और बात कहूँगी कि युवाओं के बीच में आपको लेकर खासा उत्साह है, काफ़ी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो ये सोशल मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होता है। आज इस मंच से आप देश के युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे, फिटनेस का क्या मंत्रा देना चाहेंगे? पहले तो जितने ये अवार्डी हैं या यहाँ पे बैठे, मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा कि सिर्फ वर्दी पहनने वाला फौजी नहीं होता, जो हालात से लड़े वो फौजी, जो हर कठिनाई में सामने खड़ा हो जाए वो फौजी। तो भैया हम सब फौजी हैं। और मैं युवाओं को एक बात कहना चाहूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ
कि भैया युवा वो है जो युग को बदल दे। आप अपने आप में बिलीव करो, सेल्फ बिलीव करो। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, तो भैया बाकी किसी को पहचानो ना पहचानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को पहचानो। देखो शेर और चीता बहुत ताकतवर होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। तो अपने आप को पहचानो। हर फल का स्वाद अलग होता है, ये मत सोचो कि उसने किया तो वो है। अब देखिए ना, बराक ओबामा 45 की एज में प्रेसिडेंट बन के रिटायर हो गए। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो 79-80 ईयर्स की एज में आए अमेरिका के। तो भैया सबका टाइम अलग है, सबका वो अलग है। बस आप अपने आप में बिलीव रखो कि आप ये कर सकते हो तो कर सकते हो। मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो नहीं हो सकती। हर चीज़ पॉसिबल है, सब कुछ बना। और मैं तो ये मानता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और बड़ा देखो, और बड़ा। जी आपने मैसेज की पूछी थी, तो आजकल का युवा बहुत क्रिएटिव है। बस मैं कहूँगा कि भैया जैसे युवा वो है जो युग को बदल दे, और वो आप सबके हाथ में है। युवाओं में से कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई किसी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाएगा, मगर क्या है कि सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास रखो। और मैं उस दिन ही बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि भैया इस ज़िंदगी में आप कितनी टॉप पे पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए, वो कामयाब नहीं है। जो खुश है वो कामयाब है। आप अपने बच्चों को यही सिखाओ, हैप्पीनेस इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। तो सारे यही रहो और खुश रहो यार, क्या इतना ज़्यादा वो करना।